खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। तो वहीं पुलवामा हमले को फिक्स्ड मैच बताकर कांग्रेस के नेता फंस गए हैं। विवादित बयानों के लिए कुख्यात कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने पुलवामा हमले पर एक और विवादित बयान दे दिया है। वेल मिस्टर रविंद्र रविशंकर प्रसाद शुड क्लैरिफाई whether there is any match fixing between the Pakistan and Mr. Narendra Modi. Or else without their knowledge, this Pulwama incident would not have taken place. If you look at the chain of events that has taken place after Pulwama, it looks like the Narendra Modi had a match fixing with the Pakistan people. Pulwama attack ko fixing kehkar Hari Prasad ne apni party ko back foot par la diya. Congress ko samajh hi nahi aa raha ki kya kahe. Congress ne jaise taise bayan se palla chhada. बीके हरिप्रसाद ने जो भी कहा है वो कांग्रेस पार्टी का पक्ष नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी के ना प्रवक्ता हैं ना ऑफिस बेरर हैं। जो उन्होंने कहा है अपनी निजी कैपेसिटी में कहा है और उसका जो भी क्लैरिफिकेशन है हम उम्मीद करते हैं वो आपके ही माध्यम से जल्द देश को देंगे। बीजेपी कांग्रेस को बख्शने के मूड में नहीं है। कांग्रेस के महासचिव ने देश का अपमान किया है, देश की सेना का अपमान किया है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। ऐसे लोगों को भारत की जनता जवाब देगी। कांग्रेस पार्टी रोज ये दिखा रही है कि वो भारत के साथ नहीं है। हरिप्रसाद का वक्तव्य उसकी पुष्टि है।